इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां एक सरकारी स्कूल के भीतर मजार नुमा चबूतरा बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण फरवरी महीने में किया गया था। इस विवादित चबूतरे निर्माण का आरोप तत्कालीन प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस पर है, जिनका स्कूल से पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। स्थानीय शिक्षा विभाग अब आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित करने की बात कह रहा है, साथ ही चबूतरे को तोड़ने का भी फैसला किया गया है। ये स्कूल एक और विवादों की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ कुछ समय पहले तक राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत नहीं होने का आरोप है, जिसका संज्ञान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी लिया है। तो एक स्कूल के अंदर मजार नुमा चबूतरा बनाने का मामला, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सरकारी स्कूल के अंदर इस तरह की का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और इसको लेकर के जो प्रिंसिपल आरोपी हैं उनका पहले यहां से तबादला हो चुका है, अब निलंबित करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ ये स्कूल और भी कारणों से सुर्खियों में रहा है, और इस मामले में यहां कुछ समय पहले तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाया जाता था, इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है।